गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड प्लेन और डेथ गेम हॉरर स्टोरी का पार्ट टू देखने से पहले इसका पार्ट वन जरूर देख लेना, वरना स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली को प्लेन में बैठे बैठे टॉयलेट लग जाता है, लेकिन क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने प्लेन के अंदर का नज़ारा सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा था, इसीलिए गुल्ली को पता नहीं होता है कि आखिर टॉयलेट है कहाँ, और वो अपने सीट से उतरकर टॉयलेट ढूंढने के लिए चला जाता है। पर तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है जो कि देखने में काफ़ी डरावनी होती है, और फिर वो गुल्ली को पकड़ लेती है। और अब आगे यहाँ पर गुल्ली की चीख से बुल्ली की नींद टूट जाती है, और फिर उसकी आंखें अपने दोस्त गुल्ली को चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन जब वो उसे अपने आसपास कहीं भी नहीं दिखता है तो वो प्लेन के दूसरे सेक्शन में जाके उसे ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर गुल्ली बेहोश पड़ा था और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर गुल्ली बेहोश कैसे हो गया। बुल्ली, आखिर गुल्ली यहाँ पर क्यों सोया है? अरे सोन, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? भला यहाँ पर कौन सोता है? गुल्ली यहाँ पर बेहोश हो गया है और हमें उसे उठाना होगा। उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ झुककर उसे उठाने लगता है, और धीरे धीरे गुल्ली की आंखें खुलने लगती है, और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, बुल्ली आखिर वो चुड़ैल कहाँ गई? हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना वो हमें मार डालेगी। गुल्ली, तुम शांत हो जाओ, हमें कोई भी नहीं मारने वाला है। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ आधी अधूरी देखते हैं तो वो हमारे मन में बैठ जाता है, और फिर हमें असल दुनिया में भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखने लगती है। और क्योंकि यहाँ आने से पहले हम तीनों ने चुड़ैल हॉरर स्टोरी देखा है, इसीलिए शायद अब तुम्हें असल दुनिया में भी चुड़ैल दिख रही है जो कि तुम्हारा सिर्फ एक वहम है। इसीलिए गुल्ली, चलो अब चल के आराम करो, क्योंकि प्लेन से उतरने के बाद हमें शूटिंग भी करनी है। अरे ये क्या, लगता है कि अब प्लेन लैंड होने वाला है। चलो गुल्ली, अब प्लेन से उतरा जाए। उसके बाद वो प्लेन एक जगह पर लैंड होने लगता है, और प्लेन के लैंड होते ही ये चारों लोग प्लेन से उतर जाते हैं, और वो जोकर ठीक इनके पीछे ही खड़ा होता है, और यहाँ इतनी बड़ी जगह पर इन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं है, और कुछ ही देर में वो प्लेन भी इन्हें अलविदा कहकर वहां से टेक ऑफ कर लेता है। पर आखिर सभी कार्टून कैरेक्टर्स कहाँ पर है जिनसे मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं? क्या तुम लोगों में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि आखिर हम यहाँ पर किस चीज की शूटिंग करेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पर सभी कार्टून कैरेक्टर्स के साथ शूटिंग करेंगे। नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर सात पहेलियाँ मिलेंगी, और जो भी सबसे पहले उन सातों पहेलियों का सही जवाब दे देगा सिर्फ उसे ही मौका मिलेगा कार्टून कैरेक्टर से मिलने का, और बाकी के चार लोग इस गेम से बाहर हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को एक पहेली दूंगा, और उस एक पहेली को सुलझाने के बाद तुम्हें अगला पहेली खुद ब खुद मिल जाएगा। और हाँ, इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि कोई भी एक दूसरे को पहेलियों का सही जवाब नहीं दे सकता है, और ना ही कोई एक दूसरे से पहेलियों के बारे में बात कर सकता है, और अगर आपने इन रूल्स को तोड़ा तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। तो क्या आप लोग पहली पहेली सुनने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, ये रहा तुम लोगों का पहला सवाल। बताओ कि वो क्या चीज है जिसकी गर्दन तो है पर सर नहीं। तुम लोगों के पास सिर्फ आधे घंटे हैं, और अगर आधे घंटे के अंदर तुम लोगों ने इस पहेली को नहीं सुलझाया तो तुम लोग इस गेम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए अब अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय जल्दी से जाओ और सवाल का जवाब ढूंढो। उसके बाद सभी लोग सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली यहाँ ऊंचाई पर इस पहेली का जवाब ढूंढ रहा है, और वो इधर उधर देख रहा है कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। तभी उसे अपने सामने एक घर दिखता है। लगता है कि इस पहेली का जवाब इसी घर के अंदर है, चलो चल के देखता हूँ। उसके बाद गुल्ली उसी घर में जाने लगता है।
और वो घर का कोना कोना देखता है कि कहीं उसे पहेली का जवाब मिल जाए। यहाँ पर बुल्ली भी जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसने भी इसका सही जवाब सबसे पहले दिया उसका कमेंट पिन होगा। और चलते चलते बुल्ली को अपने सामने एक गाड़ी दिखती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक कार भी है, पर क्या मैं इस कार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? लेकिन उस जोकर ने तो कुछ मना नहीं किया था, उसने तो अपने नियम में ये नहीं बताया था कि हम लोगों को कार का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर सॉन्ग किसी से बचकर भाग रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो वही कुत्ता है जो कि शुरू से सॉन्ग के पीछे लगा हुआ है। मेरा पीछा छोड़ दो, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पास तो हड्डी भी नहीं है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। और इस सवाल का जवाब क्या है, और आखिर इस सवाल का जवाब कहाँ पर मिलेगा? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। ओए मैं कहीं हार तो नहीं ना जाऊंगा? ओए पर एक मिनट, उसने तो बोला था कि चार लोग गेम से बाहर हो जाएंगे, पर हम लोग तो चार ही लोग हैं, और वो पांचवा इंसान कहाँ है? ओए कहीं वो पांचवा इंसान वो खुद तो नहीं ना है? अगर ऐसी बात है तो इस गेम को तो वही जीतेगा। ओए उसने मुझे पागल बनाया। ओए तू रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है बरखुरदार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको गेम नहीं खेलना है क्या? या फिर ऐसा तो नहीं ना कि आपका इस गेम से दिलचस्पी ही चला गया हो? ओए तू अपनी बकवास अपने पास रख, तू मुझे बेवकूफ बनाने चला था। तुझे पता भी है पूरे 160 से ज्यादा IQ है मेरे, आइंस्टाइन से भी तेज हूँ मैं, और तू मुझे ही बेवकूफ बनाने चला था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। अरे आप क्या बोल रहे हैं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी IQ 160 से ज़्यादा रहती तो आपको ये बात ज़रूर पता रहती, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे वजह से ही आए हैं, और आपको यहाँ से निकलने में मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और आपके इस गुस्से के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर सड़कर बितानी पड़े, इसीलिए शांत रहिए और अपने औकात में रहिए। ओए तू मेरे औकात पे जा रहा है? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तू रुक साले। और ये बोलकर पाजी जोकर के ऊपर हमला करने जाते हैं। अरे ये क्या, पर अचानक से ये रुक क्यों गए? अरे ये क्या, ये तो बर्फ में जम रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये काम किसका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और Part 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और वीडियो के नीचे चैनल का नाम लिखकर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें उसका जवाब मैं दूंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना सारा सवाल पूछ डालो। और हाँ, जवाब मिलने पर ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर करना, हो सकता है मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।